हर हर महादेव एवरीवन। यदि आपकी तुला राशि है लिब्रा तो आइए जानते हैं आपके लिए 2023 कैसा है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपके स्वास्थ्य से, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। यदि स्वास्थ्य सही है तो आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होने पे आप हार्डवर्क से सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए ये साल स्वास्थ्य के लिहाज से मध्यम रहेगा। अभी आप तुला राशि के नवम भाव में मंगल वक्री हैं और गुरु छठवें भाव में है और शनि जो है वो चतुर्थ भाव में विराजमान है और तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जिस कारण आप काफी समय से किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। परंतु 17 जनवरी को जब शनि अपनी राशि चेंज करेंगे, आपके ऊपर से शनि की अढ़ैया उतरने वाली है, ऐसे में आपकी हेल्थ थोड़ी बेटर होगी। परंतु यहाँ आपको सलाह दी जाती है कि फिर भी आप अपने हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखें। अप्रैल महीने में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फिर मई से जून के बीच में आपको पुनः अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगस्त महीने से आपकी सेल्फ में बहुत ज्यादा सुधार होगा, क्योंकि गुरु जो हैं आपके छठे भाव से हट जाएंगे, ऐसे में आपका स्वास्थ्य आपको पूरा साथ देने वाला है। अब बात करते हैं प्रेमी जोड़ों की। यदि आप किसी गलत रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए ये साल उतार चढ़ाव लेकर के आया है, क्योंकि यहाँ वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में तो हैं, पर 17 जनवरी को जब शनि आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और शुक्र जो है वो मार्गी हो जाएंगे 22 जनवरी को, तब हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट हो, एक दूसरे के साथ में मतभेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आपके बीच में कुछ असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी, परंतु ये स्थिति बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि 22 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आ जाएंगे। जब सातवें भाव में आएंगे तब यहाँ आपके विवाह होने के योग बनेंगे। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तुला राशि वालों, तो बहुत अच्छा संयोग बनेगा आपके लिए। अब बात करते हैं आपके फाइनेंशियल पोजीशन की। कैसा रहेगा फाइनेंशियल पोजीशन आपका पूरे साल में? ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है तुला राशि वालों। यहाँ पर शनि जब आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे 17 जनवरी के बाद से, तब वो आपके एकादश भाव को देखेंगे, ऐसे में आपको धन लाभ के योग बनेंगे। पूरे साल आपको कहीं न कहीं से धन मिलता रहेगा। आपकी स्थिति और भी ज्यादा बेहतर होती जाएगी जब अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को गुरु देव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे, तब वहां से उनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पे होगी और तीसरे भाव पे होगी, ग्यारहवें भाव पे होगी, ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। परंतु एक बात याद रखिये, आप तुला राशि के हैं, आप लोगों को आदत होती है शौकत पे खर्च करने की, बिना बात के खर्च नहीं करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं निवेश की। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आप अप्रैल महीने तक रुक जाएं। अप्रैल के बाद में आप धीरे धीरे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थियों की। यदि आप स्टूडेंट हैं तो 17 जनवरी तक तो ठीक है, परंतु उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब शनिदेव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, पंचम में शनि आने पर आपका ध्यान भटकेगा, यहाँ आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा जागृत होगी। यदि आप आलस नहीं करके अपना टारगेट एक फिक्स कर ले, आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, आप अपना पूरा प्लान बना लें, तब आपके लिए स्थिति उतनी खराब नहीं होगी। अन्यथा आलस की वजह से, मन भटकने की वजह से आपको यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप अपने किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है, तो फरवरी, अप्रैल और अगस्त और अक्टूबर के महीने आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की। यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप नया जॉब देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप 17 जनवरी के बाद पूरी तरह से जोर शोर लगा के प्रयास करें, आपको अच्छी जॉब मिलने के योग बनते हैं। यहाँ पर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी कुछ बदलाव होंगे, परंतु वो बदलाव आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे साबित होंगे। आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में थोड़ा ध्यान रखना है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर
आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी अपने वर्क प्लेस पे। आप सभी तुला राशि वालों के लिए एक मंत्र है, ओम श्रीम श्री नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन आप पाठ करें और आपको चाहिए कि हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी या माता दुर्गा की अच्छे से विधि विधान से पूजा करें। छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं, साथ में आप उन्हें कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। ऐसा करने से साल भर आपके और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और हर बुधवार को आपको चाहिए कि आप गौ माता की सेवा करें, उन्हें घास खिलाएं, इससे आपकी हेल्थ में आने वाली समस्या भी सॉल्व होती जाएगी।